हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग एफकैट का एग्जाम देने वाले हैं। जो लोग एफकैट का एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। और आप लोगों ने लास्ट टाइम से सीडीएस के एग्जाम्स के बाद कंटिन्यूसली पूछा था कि इंपीटस गुरुकुल में एसएसबी का न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उसी की आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्योंकि एफकैट के बाद हमने प्लान किया था स्टार्ट करें, क्योंकि आप जैसे ही एफकैट से फ्री होंगे, मैं आप सबको एक बात बोलूंगा कि अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो रुकना नहीं है। तो जैसे ही आपका एफकैट का एग्जाम खत्म होता है, तो हम लोगों ने प्लान ये किया है कि इंपीटस गुरुकुल में 25 फेब से 1 वीक का 7 डेज का एसएसबी बैच स्टार्ट होगा, जिसमें आप अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। इस बैच में 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आप क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या एक ऑनलाइन कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। एवरी डे लगभग 6 to 7 आवर की क्लासेस होंगी और कंटिन्यूसली 7 डेज ये बैच चलेगा। अब इस बैच को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, जरा मैं बात करना चाहूंगा। तो एक चीज आप लोगों ने सीडीएस ऑलरेडी दिया हुआ है, और अगर आपका स्कोर, जैसे आप मान लीजिए नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं और आपका स्कोर 105 के ऊपर है, या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और 130 के ऊपर है, या आईएमए में जाना चाहते हैं और 115 से ऊपर है, या ओटीए में जाना चाहते हैं मेल फीमेल और 80 प्लस के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आप एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जब आप डिफेंस की बात करते हैं तो रुक नहीं सकते। डिफेंस एक ऐसी एंट्री है जिसमें जाने के लिए हमारा बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड चाहिए, इसीलिए हम लोग रुके हुए थे। सीडीएस के तुरंत बाद जब बच्चों ने मुझे फोन किए और पूछा कि सर बैच आप जल्दी कर दें, तो मैंने एक ही बात बोली थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग सीडीएस के बाद एफकैट भी देते हैं और हो सकता है आप में से भी कई लोग दे रहे हो, तो पहले अपना पूरा फोकस एफकैट पर करिए और एफकैट के इमीडिएटली एग्जाम्स के बाद हम लोग ये 1 वीक का बैच स्टार्ट करेंगे। इस बैच में एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आप भोपाल आते हैं तो आपके लिए कोई स्टे की प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्टल ऑलरेडी है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे आउटसाइडर्स ही होते हैं, तो उनके हॉस्टल की सेम डे विद इन आवर हॉस्टल अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जस्ट 1 वीक का आपको यहां पर स्टे करना होगा, और इसके वीडियो सेशन के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा, आप चाहें तो बात भी कर सकते हैं। तो ये 1 वीक में आपको पूरी तरह से तैयार किया जाएगा कि एसएसबी के लिए क्या करना है और क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं एसएसबी, आपको भी पता है कि 5 डे प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीजें आपको डेवलप करनी है, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका एटीट्यूड। सारी चीजों से सबसे ऊपर जो चीज आती है वो आता है एटीट्यूड, यानी टूवर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कितने स्ट्रांग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका थिंकिंग पावर कितना फास्ट है, आपका रिस्पॉन्स पावर कैसी है, आप कोई भी इवेंट्स को लेके क्या सोचते हैं, ये छोटी छोटी बातें, मतलब कहीं पर कोई घटना हो रही है और आप क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी टफ सिचुएशन आती है, तो आपने ये भी बात नोटिस करी होगी कि डिफेंस के लोगों को उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। कहीं पर मान लीजिए भूकंप आया है, कहीं पर बाढ़ आई हुई है, या कहीं पर आग लगी है, कोई भी प्रॉब्लम से बड़ी, तो हमेशा आर्मी के लोगों को या डिफेंस के लोगों को बुलाया जाता है। उसका रीजन ये है कि वो हमेशा प्रॉब्लम को नहीं, सॉल्यूशन को देखते हैं, मिनिमम टाइम में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं और ऑफिसर रैंक पर जाने की सोचते हैं, तो आपके अंदर एक चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बहुत फोकस होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं, आपका फोकस हमेशा सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए और क्विक सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए कि कैसे आप मिनिमम टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एफकैट का एग्जाम खत्म होता है, सीडीएस में आपको अप्रोक्सीमेट आपको स्कोर पता है, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है और अपने आप को एसएसबी के लिए तैयार करना है, जिससे, क्योंकि एसएसबी ये 1 वीक का जो आपका क्लासेस होगा, ये आपको इस तरह से तैयार करेगा कि आप अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार कर पाए, फिर भी उनको एक्चुअल में एप्लीकेट भी करना, मतलब आपको उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स भी देना है, यानी आपको अपने आप को इस लेवल पे तैयार करना। तो जो चीजें आपने करी हैं 1 वीक में, उनके ऊपर आपको सोचना भी है। जब आपका रिजल्ट आएगा और जब आप एसएसबी देने जाएंगे, तो आपको अपने आप को हर लेवल पे तैयार करना है, तो ये क्लासेस उसमें काफी हद तक हेल्प करेंगी। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि एसएसबी क्लास ज्वाइन करना, तो इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करिए और इन क्लास को ज्वाइन करिए, इससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। इसमें वो हर चीज बताई जाएगी जो एक एसएसबी ट्रेनिंग के लिए है, जो एसएसबी के समय पूछी जाती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।